सो वेलकम बच्चों, आप तैयारी करेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और सबसे पहले हम टॉपिक जो लेंगे वो है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक में कोई अलग से टॉपिक मेंशन नहीं होता, न ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मेंशन है, लेकिन यहां पर वो टॉपिक है जो पूरी किताब में बिखरे पड़े हैं, कोई इस चैप्टर में कोई उस चैप्टर में, इन सभी को एक साथ कंबाइन करके पढ़ने की जरूरत है। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही क्लासेस के लिए जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। एक बेस डेवलप होगा, उनके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, स्कूल लेवल एग्जाम में, बोर्ड लेवल एग्जाम में, जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली पूछा जाता है। तो एक बेस, एक फाउंडेशन बनानी है, एक नींव बनानी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आइए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो यहां पर हम कंसिडर करेंगे वो है रिगार्डिंग द बॉन्ड लेंथ। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर बहुत आसान होते हैं, हम अपनी उलझनों की वजह से उनको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और कुछ जो रही सही कमी होती है वो हमारी बुक्स पूरी कर देती हैं। कुछ बुक्स में इस तरह के जवाब दिए जाते हैं कि आंसर पे से विश्वास ही उड़ जाता है कि भाई आंसर देना चाहिए, बस एकदम से शांत बैठे रहो वही ज्यादा अच्छा है, कौन पढ़ेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर। तो यहां पर कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे हम अपने इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए जवाब दे पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। तो बॉन्ड लेंथ, जिसका सीधा सा मीनिंग है द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। हमारे पास दो बॉन्डेड एटम है, दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, किसी भी तरह का बॉन्ड हो, तो जनरली ये टर्म कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो वी कैन सी द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। सपोज ये दो एटम है जहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड बना हुआ है, इनके न्यूक्लियाई की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ के नाम से पहचाना जाएगा। सो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ, इसे बॉन्ड लेंथ कहेंगे। बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स इस तरह से, पहला फैक्टर है साइज का फैक्टर। अब देखें कॉमन सी बात है, ए और ए सपोज स्मॉल साइज है, हमारे पास एटम है बी एंड बी जिनका साइज बड़ा है। अब बी और बी का अगर साइज बड़ा होगा तो ध्यान से देखिए, एटम का साइज बड़ा होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, और डिस्टेंस ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ यहां पे बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से बिगर इज द साइज हायर इज द बॉन्ड लेंथ। हम कह सकते हैं जितना ज्यादा साइज होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखें फैक्टर हम बहुत सारे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से अप्लाई करना है यही मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, ताकि आपसे कहीं गलती ना हो जाए। तो साइज के बेसिस पे हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ये कहेंगे। आपसे पूछें बताएं Cl2 और I2 किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, सो यू कैन अंडरस्टैंड साइज किसका बड़ा होता है, आयोडीन का। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जवाब आ गया I2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्वेश्चन आया CH4 CCl4 किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा है और साइज कार्बन कार्बन सेम, हाइड्रोजन क्लोरीन, बड़ा कौन क्लोरीन, तो इस तरह से यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहला फैक्टर आपने यही अप्लाई करना है कि साइज को देखना है, जिसका साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा रहेगी। साइज के बाद नेक्स्ट फैक्टर जो आपने अप्लाई करना है वो है मल्टीप्लिसिटी का फैक्टर। मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं। जैसे ए और ए एक बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी वन, ए और ए दो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी टू, और ए थ्री बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी थ्री। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा मल्टीप्लिसिटी। कार्बन को आप जानते हैं, कार्बन एल्कीन में सिंगल बॉन्ड बनाता है, एल्कीन में डबल बनाता है, एल्काइन में ट्रिपल बनाता है। तो अगर आपके पास सेम एटम है मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है। नाउ बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, बॉन्ड का सिंपल डेफिनेशन होती है
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे बॉन्ड कहा जाता है। अब खुद समझिए, यहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां दो फोर्सेस हैं, यहां तीन फोर्सेस हैं। जहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे एटम एक दूसरे के नजदीक होंगे, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे एटम एक दूसरे से दूर होंगे। सो वी कैन सी मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। तो हम अपना फैक्टर यहां से बना लेते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी और नंबर ऑफ बॉन्ड। जितने दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ज्यादा होंगे उतनी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ कम होगी। आपसे पूछा गया आपके पास है इथेन, आपके पास है इथीन, बॉन्ड लेंथ बताना है कहां ज्यादा होगी। पहला फैक्टर तो साइज का ही अप्लाई करें, कार्बन 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 दोनों एटम सेम है, अगर एटम सेम है आप नेक्स्ट फैक्टर पे मूव करें मल्टीप्लिसिटी, यहां नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। सो वी कैन से मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ, इस तरह से जवाब आना चाहिए, ये जवाब आपका बनना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर जो आपको अप्लाई करना है लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब लोन पेयर्स किस तरह से बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं, अब आप खुद देखिए ए और ए यहां है एक लोन पेयर, ए और ए यहां है दो लोन पेयर, ए और ए दोनों के पास हैं दो दो लोन पेयर, वी कैन अंडरस्टैंड। ना साइज का फैक्टर यहां अप्लाई नहीं होगा, एटम सेम मल्टीप्लिसिटी सेम, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द लोन पेयर। मैंने पहले कहा फैक्टर जान लेना सफिशियंट नहीं, उन्हें किस तरह से अप्लाई करना है यह जानना जरूरी है। नाउ यू ऑल नो वेरी वेल कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यहां एक पे लोन पेयर है दूसरे पे लोन पेयर नहीं है, नो रिपल्शन, इतना कोई लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा, यहां लोन पेयर रिपल्शन होगा और यहां लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, और जब ये रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सो वी कैन से ड्यू टू हायर लोन पेयर रिपल्शन यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो हमारा कंसेप्ट बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, जितने ज्यादा लोन पेयर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहा जा सकता है। आपसे हमने कहा कि आपके पास NH3 है, आपके पास NH2 है, बताएं कहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड साइज कैन नॉट बी अप्लाइड, मल्टीप्लिसिटी कैन नॉट बी अप्लाइड, हाँ नंबर ऑफ लोन पेयर में डिफरेंट है, और अगर नंबर ऑफ लोन पेयर में डिफरेंस है सो वी कैन से मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर हायर विल बी द बॉन्ड लेंथ। इस तरह से आपको बॉन्ड लेंथ के इस टॉपिक को समझना है, जानना है। अब मैं यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आज उस क्वेश्चन के बारे में सोचना समझना और उनका जवाब जानने की कोशिश करना, और क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये बात ध्यान रख लेनी है बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, ये हम ध्यान रखें। हमारा पहला क्वेश्चन यहां बनता है अरेंज फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इन्हें बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। पहली चीज है आपके पास, सपोज हम यहां बात करते हैं लेट CH4, और दूसरा है आपके पास CBr4, इन्हें अरेंज करना है, बताना है किसकी बॉन्ड लेंथ यहां पर ज्यादा होगी। अगला फैक्टर है हमारे पास, सपोज हम बात करें N2 एंड O2, यहां बताना है किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। उससे अगला फैक्टर है हमारे पास N2 O2 एंड F2, इन्हें अरेंज करना है बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में कि बॉन्ड लेंथ का यहां पे ऑर्डर क्या रहेगा, ये आपको अरेंज करना है। ऐसे ही आपको बताना है HF और HI किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे इन क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, फैक्टर सामने ही है, इन फैक्टर्स को बड़े ध्यान से अप्लाई करेंगे और बिल्कुल एक सीक्वेंस में अप्लाई करेंगे।
क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई F2 पजेस हायर बॉन्ड लेंथ, F2 पजेस हायर बॉन्ड लेंथ देन Cl2। अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन पुराने कंसेप्ट में अभी भी चलता है व्हाई F2 पजेस हायर बॉन्ड लेंथ देन Cl2, हायर बॉन्ड लेंथ देन Cl2, बॉन्ड लेंथ देन Cl2, इस तरह से। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ बॉन्ड लेंथ अफेक्ट्स रिएक्टिविटी। इस तरह से बच्चों बॉन्ड लेंथ का टॉपिक आपने पढ़ा। अब इस बॉन्ड लेंथ के टॉपिक पे फैक्टर सामने हैं, क्वेश्चन सामने हैं, जवाब आप देंगे, इनका जवाब देने की कोशिश करना। क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर हम इनके आंसर के बारे में डिस्कस भी करेंगे, बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप इस चीज को पढ़ें, समझें। देखिए सभी चीजें मैं बता सकता हूं, सभी चीजें बताते भी चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सोचने का मौका देंगे, समझने का मौका देंगे, आप डेफिनेटली उस चीज में और बेटर वे में आगे बढ़ेंगे और बेटर वे में वहां पर सीखेंगे। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ देखते ही नहीं रहना, उस चीज को अप्लाई भी करना है। अप्लाई करोगे, सीखोगे, जानोगे और बेटर से बेस्ट होते जाओगे। तो देखते रहिए इसकी क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर, हम आपको बताएंगे इनके जवाब क्या रहेंगे। ऑल द बेस्ट।